बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। ओपन चैप्टर नंबर 2 स्लाइड्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंटरनेट। इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया। देन वी डिस्कस अबाउट एक्सेस प्रोवाइडर। एक्सेस प्रोवाइडर में 3 तरह के एक्सेस प्रोवाइडर देखे। देन वी डिस्कस अबाउट IP एड्रेसेस एंड डोमेन नेम। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब में वेब ब्राउज़र को डिस्कस किया। आज हम वर्ल्ड वाइड वेब को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि URL क्या होता है। URL ये स्लाइड नंबर 11 पे टॉपिक है। ठीक है, सो ओपन योर स्लाइड नंबर 11। URL स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL क्या चीज़ होती है? ये यूनिक एड्रेस होता है जो कि वेब पेज को असाइन किया जाता है या वेब पेज को दिया जाता है। हर वेब पेज को एक यूनिक एड्रेस दिया जाएगा, इसको हम वेब एड्रेस भी कहते हैं। ये कुछ पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। इसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? प्रोटोकॉल का। ठीक है, देन द सेकंड पार्ट इज़ अबाउट डोमेन नेम, जो डोमेन नेम होता है। और डोमेन नेम के नेक्स्ट क्या होता है? पाथ टू द वेबसाइट। आफ्टर दैट वी हैव वेब पेज नेम, जो कि जिसकी एक्सटेंशन आपको नज़र आ रही है पेज नंबर 11 पे। एक्सटेंशन इज़ HTML और HTML। आफ्टर दैट देर इज़ अ टॉपिक अबाउट टैब्ड ब्राउजिंग। टैब्ड ब्राउजिंग क्या करेगा? आपको अलाउ करेगा कि आप ओपन और व्यू कर सको वेब पेजेस को, मल्टीपल वेब पेजेस को। ठीक है, एक ही ब्राउज़र के अंदर रहते हुए, एक सिंगल ब्राउज़र के अंदर आप लोग मल्टीपल टैब्स को ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब मल्टीपल टैब्स को ओपन करोगे तो आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हो? हर किसी के, जब भी आप ओपन करोगे तो हर टैब का अलग से अपना होम पेज नज़र आएगा। ठीक है, और आप लोग इस तरह से टैब्स की ग्रुपिंग भी कर सकते हो, उसको एज अ फेवरेट भी सेव कर सकते हो। जैसे कि पेज नंबर 13 पे आपको पिक्चर्स के थ्रू बताया जा रहा है कि किस तरह से मल्टीपल टैब्स को आप लोग विंडोज़ के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। आफ्टर दैट ऑन द स्लाइड नंबर 14 द टॉपिक इज़ अबाउट सर्च टूल। ठीक है, सर्च टूल 2 तरह के होते हैं। एक सर्च इंजन है और दूसरा कौन सा है? सब्जेक्ट डायरेक्टिव। सर्च इंजन में क्या होता है कि इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिहाज से हम लोग इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास गूगल की एग्जाम्पल है। गूगल में क्या होता है कि आप लोग कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस देते हो। ठीक है, उसके लिहाज से आप लोगों को उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखाई दी जाती है या वेबसाइट दिखाई दी जाती है। नेक्स्ट टूल इज़ सब्जेक्ट डायरेक्टरी। सब्जेक्ट डायरेक्टरी में ये होता है कि वेबसाइट्स को हम स्टूडेंट्स कैसे करते हैं कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं कैटेगरीज बना के। आप लोगों ने भी कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें कैटेगरीज बनी होती हैं। अब वो कैटेगरीज क्या होती हैं? कि वो कैटेगरीज बेसिकली लिंक्स होते हैं। ठीक है, उन लिंक्स को आप क्लिक करते हो, आप स्पेसिफिक टॉपिक को ओपन कर सकते हो। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होगी इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट डायरेक्टरी। आफ्टर दैट देर इज़ ऑन द स्लाइड नंबर 16, इस पर क्या बताया जा रहा है आपको कि सर्च इंजन आपको क्या हेल्प करता है ताकि आप लोग ये इस तरह के आइटम्स को लोकेट कर सको। आप सर्च इंजन फॉर एग्जांपल गूगल पे आप लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर सकते हो? इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, न्यूज़, मैप्स, पर्सन की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो और ब्लॉग के बारे में सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया 2 लफ्ज़ का मजमूआ है। उसमें मल्टी मीन्स मैनी, मीडिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी कि आप टेक्स्ट को कंबाइन कर दोगे इन 5 चीज़ों में से किसी के साथ। वो 5 चीज़ें क्या हैं? ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, वर्चुअल रियलिटी। ग्राफिक में देखें तो ग्राफिक में क्या आ जाता है कि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन जो होगी वो टेक्स्ट के बजाय इमेजेस, आइकन्स की फॉर्म में होगी। इसमें एक्सटेंशन जो फाइल फॉर्मेट आ जाते हैं वो कौन से हैं? BMP, GIF, JPEG, PNG एंड TIFF। इसमें एक टर्म है थंबनेल। थंबनेल क्या होता है? स्मॉल वर्जन बना देना लार्ज ग्राफिक का। ठीक है, आप भी देखोगे आपके मोबाइल फ़ोन में जब कोई पिक्चर क्लिक की जाती है हर पिक्चर के साथ उसका एक थंबनेल बना दिया जाता है। थंबनेल क्या होता है कि स्मॉल वर्जन ऑफ लार्ज ग्राफिक। नेक्स्ट इज़ द एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है कि एनिमेशन में हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर देते हैं? हम स्टिल इमेजेस को
सीक्वेंस में जोड़ देते हैं और एक सीरीज बन जाती है, और उसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव करते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट इज ऑडियो। ऑडियो आपको पता है कि इसमें आ जाते हैं इमेजेस आ जाती, सॉरी म्यूज़िक आ जाता है, स्पीच आ जाती है, नेक्स्ट साउंड आ जाती है। स्ट्रीमिंग में क्या होता है, स्ट्रीमिंग में डाटा को ट्रांसफ़र करना कंटिन्यूस मैनर में। आफ्टर डैट वीडियो क्या होता है, फुल मोशन इमेजेस होती हैं, ये भी बेसिकली इमेजेस ही होती हैं जो कि हम लोग प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोशन। दिस इज़ द वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी एक अहम टॉपिक माना जाता है, जिसमें क्या होता है, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि वीडियोस जो प्ले होती हैं वो हमें रियल लगती हैं। रियल क्यों लगती हैं, क्योंकि 3D स्पेस होने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लगइन। ठीक है, प्लगइन में क्या होता है कि प्लगइन इज़ अ प्रोग्राम डैट एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ वेब ब्राउज़र। अब ये स्लाइड नंबर 21 पे टॉपिक है, जो कि वेब ब्राउज़र की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो कि आप अपने ब्राउज़र में PDF की फ़ाइल ओपन कर सको, तो आप लोगों को एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि एक्रोबैट रीडर के नाम से होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में ये होता है कि हम वेबसाइट्स को डिवेल्प करते हैं और इसके साथ साथ उनकी मेंटेनेंस भी करते हैं। अब वेबसाइट को डिवेल्प करने के लिए एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोगों को वेबसाइट डेवलप करनी होती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है कि प्लान द वेबसाइट। वेबसाइट को सबसे पहले तो आप प्लान करो कि वेबसाइट आप किस तरह की बनाना चाहते हो, क्या वेबसाइट बनाना चाहते भी हो कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ एनालाइजिंग एंड डिज़ाइन द वेबसाइट। वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, इसमें दो तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं, एक हाई लेवल डिज़ाइन हो जा सकता है, एक लो लेवल डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है, आफ्टर डैट वी हैव द स्टेप क्रिएट अ वेबसाइट। इसमें क्या होता है कि आप कोई लैंग्वेज यूज़ करते हुए, डेवलपमेंट लैंग्वेज यूज़ करते हुए आप वेबसाइट को क्रिएट कर देते हो। आफ्टर डैट डिप्लॉय द वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, आप इंटरनेट पे उस वेबसाइट को लाइव कर देते हो, तो इट्स मीन कि आपने वेबसाइट को डिप्लॉय कर दिया। लास्ट स्टेप इज़ मेंटेन अ वेबसाइट। मेंटेन आ वेबसाइट में ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपकी वेबसाइट में कोई एरर आ गया, कोई बग आ गया है, तो आप क्या करते हो कि जो डिप्लॉयड वेबसाइट होती है, यानी कि ऑलरेडी हम लोग जो पब्लिश कर देते हैं वेबसाइट को, उसको हम लोग चेंज करते हैं, उसको हम लोग एरर्स को रिमूव करते हैं, और जो रिक्वायर्ड चेंजेस होती हैं वो जो चेंजिंग करते हैं वो किस में आ जाता है, मेंटेनिंग द वेबसाइट में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट ई कॉमर्स। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर।